गुड आफ्टरनून एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं? तबीयत कैसी है आप लोगों की? लास्ट वाला लेक्चर जो है वो ज़रा क्लियर कर दीजिए कि सब ओके है, फाइन है। ओके, नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट सीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो प्रीवियस वन जो था उसमें मैंने आपको दो लोगों का सीजन इकट्ठे पढ़ाए थे, ठीक है, तो आपने उसको क्लियर कर लेना है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। हाँ जी, यस बेटा, सॉल्यूशन वाला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, ये वाला है। फातिमा कह रही हैं सर आज बज़्म अदब हो जाए। खैरियत है बेटा, बज़्म अदब करने आज आपको। अच्छा, आप बज़्म अदब के इंतज़ार में थे कि हमारे इंतज़ार में, ये बताएं बेटा। वाओ, हमारे इंतज़ार में, तो डोंट वरी, लो हम आ गए, ठीक है। अच्छा खैर, बस में तो हम कंडक्ट नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी बात सुन ज़रूर सुनाऊंगा। और वो बात ये है कि मुंतज़िर मेरे जवाल के हैं, मेरे अपने भी कमाल के हैं। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप हॉट होंगे तो आपके भी अपना ही पीछे होगा, बिकॉज गैरों को क्या पता कि आपका दिल का कौन सा खाना कमज़ोर है, अपने को ही पता होता है। तो खैर, हो गया बस में अदब। इतना सा बदमे अदब मैंने करवाना था, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। जिनका जिनके पास है कुछ डाटा बताने के लिए, वो बिल्कुल लास्ट के ऊपर हम सुनेंगे। तो हमारे पास है जनाब, ये सीज़न नंबर 7 है, और एपिसोड की बात करें तो एपिसोड नंबर आज 1 है। आज मैं आपको सिखाऊंगा सॉल्यूशन के बारे में, क्योंकि सॉल्यूशन है। जज़ाकला। ओके, यस ऑफ कोर्स बेटा, ये 100% ऐसे ही होता है। तो चले अब इधर देखें, गाइस इधर आओ, सोल्यूशन के ऊपर आओ कि सोल्यूशन की हम बात करते हैं। पहली बात यह कि सोल्यूशन जो है वो बनता कैसे है। मैं आपको एक सिंपल वे में सोल्यूशन बनाना सिखा देता हूँ। लेट सपोज डैट कि ये मेरे पास क्या है जी, ये मेरे पास एक बीकर है, और ये जो बीकर है, इस बीकर के अंदर मैं क्या डालता हूँ, इस बीकर के अंदर मैंने डाला पानी, वाटर इज टू, और मैंने इस बीकर के अंदर क्या डाला, मैंने इस बीकर के अंदर डाला NaCl, H2O और NaCl डाला, ठीक है बेटा। ये जो वीडियोस होती हैं इनको लाजमी तौर पर शेयर किया करें अपने सोशल मीडिया हैंडल्स और अकाउंट्स के ऊपर, और बाकी वो लोग जो नए देख रहे हैं चैनल, तो मैं बता दूं कि ये लाइव सेशन है बेटा। तो आपको अगर लाइव क्लास के अंदर लाइव सेशन में आना है, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, तो उसके लिए आप इस नंबर के ऊपर टेक्स्ट करें, रजिस्ट्रेशन करें, फी पे करें, कम ही है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। 964 इस नंबर को अपने दिल के ऊपर लिख लीजिए, बिकॉज यही आपके प्रॉब्लम का सलूशन भी है। क्लियर हो गया? तो मैं चलो बोर्ड मार्कर देख रहा हूँ बेटा, मिल गया। तो यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि लेट सपोज डैट कि मैंने क्या लिया, मैंने वाटर लिया, पानी, पानी के अंदर मैंने क्या किया, मैंने नमक ऐड कर दिया, उसको हल कर दें, वो जो नमकीन पानी है वो क्या है, वो सलूशन बन गया, वो क्या बन गया, वो सलूशन बन गया। तो सोल्यूशन बनाना इतना ही आसान है कि आपने पानी के अंदर कुछ चीज़ ऐड कर दी। फॉर एग्जांपल लेट सपोज डैट, अब आपके जहन में आना चाहिए कि सर देखिए पानी के अंदर नमक ऐड कर दिया तो सोल्यूशन हो गया, लेकिन अगर मेरे पास हो पानी, ठीक है, ये पानी मैंने लिया जनाब, पानी ले लिया मैंने नहर से, मतलब फ्रेश वाटर ले लिया जिसमें नमक नहीं होता, और यहाँ पर मैंने पानी जो लिया है, ठीक है जी, ये पानी मैंने ले लिया कहाँ से, ये पानी मैंने ले लिया मेराइन वाटर, यानी कि समुद्री पानी। तो मैंने ये ले लिया बेटा जी मेराइन वाटर, समुद्री पानी ले लिया, ये मैंने कौन सा पानी ले लिया, ये मैंने फ्रेश वाटर ले लिया, ये मेरे पास आ गया फ्रेश वाटर, और ये मेरे पास आ गया मेराइन वाटर। अब मेराइन वाटर में नमक होता है ज़्यादा, अब मुझे ये बताएं कि जब मैं मेराइन वाटर में, यानी कि जब मैं पानी को पानी में ऐड कर दूंगा, तो क्या ये भी सोल्यूशन बनेगा, बताइए। पीछे तो आपको समझ आ गया ना कि पानी में नमक ऐड किया तो वो क्या बन गया, सोल्यूशन। अब पानी में पानी ऐड करूंगा तो क्या ये सोल्यूशन है, कुछ
कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ये सॉल्यूशन बनेगा। देखो आज जो बच्चे कह रहे हैं ना बिल्कुल बनेगा, तो मैं उसको रीजन बताता हूँ, रीजन के साथ हम देखेंगे। देखिए जब भी हम दो चीजें एडअप करेंगे ना सॉल्यूशन बनाने के लिए, उनमें से एक चीज जो होगी जो दूसरी चीज को हल कर रही होगी, उसको हम नाम देंगे सॉल्वेंट का, वी कॉल इट सॉल्वेंट। तो मेरे पास वाटर जो है ये यहाँ पर किसके तौर पर एक्ट कर रही है, सॉल्वेंट के तौर पर एक्ट कर रहा है। और वहीं पर अगर मैं NaCl की बात करता हूँ, सोडियम क्लोराइड की बात करता हूँ, तो ये किसके तौर पर एक्ट करता है, ये सॉल्यूट के तौर पर एक्ट करता है। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन में एक चीज होती है सॉल्वेंट और दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज होती है सॉल्यूट। तो यहाँ पर सॉल्वेंट मेरे पास क्या है, वाटर, और सॉल्यूट मेरे पास क्या है, नमक। राइट, अब इधर आ जाओ। जब यहाँ पर आपने फ्रेश वाटर में मिनरल वाटर ऐड किया, तो डेफिनेटली तौर पर दो डिफरेंट चीजें हल हो रही है ना। और ये माइंड से निकाल दो कि सॉल्यूट हमेशा कोई सॉलिड चीज ही होगी, जैसे नमक है। नमक आपको नजर आता है ना, मतलब पहले सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है, फिर हम उसको पीस के छोटे छोटे फॉर्म के अंदर लेकर आते हैं। राइट, तो ये बात माइंड से आप निकाल दीजिए कि जो जो आपके पास सॉल्यूट होगा वो ऐसे ही होगा, जैसे कि चीनी। सही है, ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो ये जो यहाँ पर ये भी सोल्यूशन है, कैसे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो एक है आपके पास, ये एक एक्ट कर रहा होगा सोल्यूट के तौर पर, दूसरा एक्ट कर रहा होगा सॉल्वेंट के तौर के ऊपर। क्यों, क्योंकि आपको पता है ना कि जब नमक वाला पानी जो है वो अब बगैर नमक के पानी में हल करेंगे, तो नमक वाले पानी का जो नमकियात होंगे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो नमक वाला पानी है ये फ्रेश वाटर में क्या हो गया, ये हल हो गया। इसका मतलब ये भी तो सोल्यूशन ही बना ना। इसी तरह से पानी के अंदर इंक ऐड कर दूंगा मैं, तो वो भी तो सोल्यूशन है। समझ में आया कॉन्सेप्ट। तो पानी के अंदर मैंने, वाटर के अंदर मैंने क्या किया, मैंने वाटर के अंदर इंक ऐड कर दी। वाटर के अंदर जो मैं इंक ऐड करूंगा जनाब, इंक क्या है मेरे पास, सॉल्यूट है। पानी मेरे पास क्या है, सॉल्वेंट है। राइट ना, तो इस तरह से चीज याद रखने की, इससे भी क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन में दो चीजें आती हैं, नंबर वन सॉल्यूशन के अंदर क्या आएगा, नंबर वन सॉल्यूशन में आएगा सॉल्वेंट, सॉल्वेंट आ जाएगा। और नंबर सेकंड अगर बात करें तो सॉल्यूशन में क्या आएगा बेटा जी, सॉल्यूट आ जाएगा। एक तो सॉल्वेंट आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा, सॉल्यूट आ जाएगा। सॉल्वेंट किसको कहते हैं, सॉल्वेंट जिसको कहते हैं जिसमें कोई चीज डिजोल्व होनी होती है, मतलब जिसमें कोई चीज डिजोल्व होनी है उसको हम नाम देते हैं सॉल्वेंट का। मतलब जैसे वाटर है, वाटर आपके पास क्या है, ये सॉल्वेंट है, क्योंकि ये चीजों को हल करता है। ठीक है, और सॉल्यूट वो आपके पास बेटा जी, इसका कंपोनेंट होगा सॉल्यूशन का जो कि सॉल्वेंट के अंदर हल होना होता है। मतलब मैं लिखूंगा यहाँ पे सोलबल विच, सोलबल इन सॉल्वेंट, विच सोलबल इन सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट में सोलबल होगा उसको आप क्या नाम देंगे, उसको आप सॉल्यूट का नाम देंगे। और सॉल्वेंट क्या करता है, सॉल्वेंट करता है डिजोल्व, सॉल्वेंट क्या करता है, डिजोल्व किसको डिजोल्व करता है, सॉल्यूट को डिजोल्व करता है। अब बात कर लेते हैं जी वाटर के बारे में मजीद। अगर वाटर के बारे में मजीद बात करें ना, तो वाटर के बारे में अपनी ये बात याद रखनी है कि वाटर जो है ना बच्चा, ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ये कौन सा सॉल्वेंट है, ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसमें जो तमाम चीज़ों को हल कर सकता है। मतलब इट हैज़ द अबिलिटी टू डिजोल्व एवरीथिंग। जैसे कि अगर हम बात करते हैं पेट्रोल की, पेट्रोल जो है वो हल नहीं होता कुछ चीज़ों के अंदर। अच्छा ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये पानी के अंदर भी क्यों नहीं होता, ऑयल वगैरह भी। अगर ये चीज़ें हल नहीं होती तो फिर मैं इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहता हूँ। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहने का मतलब ये हर किसी ने बच्चा लेना कि इसमें सारी चीज़ें हल हो जाती हैं। आपने कहा यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज ये मोस्टली चीज़ें जो है ये क्या कर लेता है, ये हल कर लेता है अपने अंदर। इसी वजह से हम इसको नाम देंगे यूनिवर्सल सॉल्वेंट का। तो ये आपने याद रखना है कि वाटर इज नोन एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट हैज द अबिलिटी टू डिजोल्व मोर ऑफ द सॉल्यूट इन इट सेल्फ, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। द रीजन बिहाइंड इज नॉट दैट कि आप इसको कहे कि सारी चीज़ें हल करता है, तो फिर पानी के अंदर बाई चान ऑयल कभी नहीं हल होता। आप हंडिया बनाते हो, ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। समझ आ गया ना, तो इसलिए चीज़ आपने याद रखनी है कि वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। यहाँ तक बेसिक समझ आया सबको, ये बेसिक था सोल्यूशन के बारे में, सोल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में। इससे अगला जो टॉपिक हमने पढ़ना है अभी बेटा, वो सिंध बोर्ड में नहीं है, तो डेफिनेटली मैं अब यहाँ से वीडियो कट कर दूंगा। ठीक है, बाकी लोग यहीं पर रहेंगे एंड के ऊपर हम बस आपसे वो बज़्म अदब के वो शेर व शायरी भी सुनते हैं। ठीक है, बाकी लोग यहीं पर रहेंगे।